में हुई जाएगी। इसे जो कहते हैं कि भगवान का ज्ञान भगवान के अलावा और कोई ले नहीं सकता, तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया हे भक्तियों जागो। सभी मेल अथवा फीमेल सभी भक्तियां हैं, ऐसे नहीं जो मेल है वो भक्ति करने वाले नहीं है, फीमेल ही भक्ति करने वाली है, नहीं। भगवान को तो सभी याद करते हैं, सभी ब्राइड्स हैं, जो ब्राइडग्रूम को याद करती है, सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा मासू को याद करती है, सभी सीताओं का राम एक है, वो है परमपिता परमात्मा। लेकिन राम अक्षर क्यों कहते हैं, कारण क्या है? राम अक्षर कहते हैं, कृष्ण नहीं कहते, क्योंकि आज दुनिया में रावण राज्य है, इसलिए रावण राज्य का मुकाबला करने के लिए राम अक्षर कहते हैं। तो राम के भेंट में रावण राज्य कहा जाता है, रावण राज्य की भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है परमपिता परमात्मा, जिनको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका शिव है, माना राम जो नाम है वो नकली नाम हुआ, असली नाम क्या हुआ? शिव। क्यों? असली आत्मा है यह शरीर है, आत्मा असली है, जो असली चीज है वो सदा काल रहती है, जो नकली चीज है वो आज है कल खलास हो जाए भाई। तो और ये भी जो भी नाम है भगवान के वो सब स्थाई नहीं है, लेकिन सदा से भी एक ऐसा नाम है जो सदैव ही स्थाई है, इसलिए मेरा नाम शिव है। तो अभी बाप कहते हैं जागो, क्या मैं शिव हूँ, माना शिव माना कल्याणकारी हूँ, मैं कोई भी बात में अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजा सकता। बच्चों को अनिश्चय पैदा होता है, भगवान हो सकता है ऐसा क्या? कलंक लगाते हैं ना, कलंकी धर के रूप में भगवान को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता जो अकल्याणकारी, बोलता भी नहीं हूँ अकल्याणकारी, करता भी नहीं हूँ अकल्याणकारी, और सोचता भी अकल्याणकारी नहीं सोचता हूँ। तो हे बच्चों अभी जागो, क्या अगर बाप भगवान को भी अकल्याणकारी समझ लेवे तो क्या कहेंगे? अज्ञान नींद में सोए हुए हैं या जागे हुए हैं? सोए हुए हैं। अभी नवयुग आता है, पुराना युग खत्म होता है, इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। क्या महाभारत लड़ाई क्यों होती है? ये लड़ाई होना क्यों जरूरी है? क्योंकि झूठ और सत्य का जब तक संघर्ष नहीं होगा और असत्य बिल्कुल नामो निशान खलास नहीं होगा, तब तक झूठ खंड खलास नहीं होगा और सत्य खंड की स्थापना नहीं होगी। आज की 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया है, 700 करोड़ मनुष्यों में सारे ही सच्चा ज्ञान उठावेंगे क्या? सारे तो सच्चे ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि रावण का परिवार बहुत बड़ा होता है और राम का परिवार बहुत छोटा होता है। पांडव कितने थे? पांडव पांच थे और कौरव यादव ढेर के ढेर थे। तो जो कौरव यादव ढेर के ढेर थे, वो ढेर के ढेर जो है वो आज कलयुग की दुनिया में होते हैं, झूठ खंड की दुनिया में। जो भगवान अगर जो नई दुनिया स्थापन करता है सच खंड की, उसमें बहुत छोटा परिवार होता है। इतना छोटा सा परिवार है जो आज भी नवलाख सितारों के रूप में आसमान में गाया जाता है। वो सितारे हैं जड़ सितारे और ये है आत्मा रूपी चैतन्य सितारे।
ये आत्मरूपी जो चैतन्य सितारे हैं वो नई सतयुगी दुनिया में मौजूद होंगे, बाकी 750 करोड़ जो है वो मौजूद नहीं होंगे। बहाइंड लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, कहाँ? सचखंड में, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इस महावारी महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। क्यों? लड़ाई की क्या जरूरत है? क्योंकि सूर्यखंड जब तक खलास न हो पूरा, अगर नाम निशान भी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर जागृत हो जाएगा। इसलिए आदमी मरता है तो हिंदुओं में क्या करते हैं, उसको जलाई देते हैं, राख कर देते हैं, और मुसलमानों में किस चीज में? देवान को पूरा जलाते नहीं है, थोड़ा बहुत बरकरार रह जाता है। तो जो थोड़ा बहुत बरकरार रह जाता है वो फिर उनको उसी नरक की दुनिया में जन्म देने के निमित्त बन जाता है। इसलिए